शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज ये बात कोई परिकल्पना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य बन चुकी है कि हर आदमी के अंदर एक शख्सियत नहीं बल्कि बटी हुई शख्सियतें होती हैं। एक उसे अच्छाई की ओर ले जाती है और दूसरी बुराई की ओर। ये उसे माँ बाप के जीन से भी मिलती है, शिक्षा और संस्कारों से भी। हमारी कहानी एक ऐसी बटी हुई शख्सियत की है जिसे शिक्षा और संस्कारों ने तो इंसान बनाया लेकिन माँ बाप से मिले जीन्स ने बना दिया उसे एक इंसानी बाज। बिटिया नहीं मिल रही, यही कहीं खेल रही थी। अरे अम्मा, लक्ष्मी लक्ष्मी मेरी बिटिया, माजी After seeing your grandson's all the reports, we have called doctors from International Psychiatrist Forum. Here's Dr. Shanley from UK. Hello, ma'am. And here's Dr. Ross Thomas from USA. और हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपका बच्चा जिस तरह बिहेव कर रहा है उसकी वजह उसे हेरिडिटी से मिला जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। माँ पागल थी, बाप ने सुसाइड किया था। इट मीन्स आपका बच्चा जिस तरह के डिसऑर्डर का शिकार है उसमें मरीज किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट को देखकर एक्साइट होता है, जैसे आपका बच्चा ब्यूटी को। अभी वो बच्चा है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो चीजें उसे अट्रैक्ट करती हैं उन्हें वो खत्म कर देना चाहता है। दिमागी तौर पर वो ये समझता है कि उस चीज पर सिर्फ उसका ही हक है and by destroying them, वो satisfy हो जाता है कि अब वो किसी और को नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? प्यार और परवरिश। अगर बच्चे को भरपूर प्यार मिले और उसकी अच्छे से परवरिश की जाए, उसके आसपास का माहौल अच्छा हो और उसकी संगत अच्छे बच्चों के साथ हो, तो 99% आपका बच्चा ठीक हो सकता है। और हाँ, 1% डर सिर्फ इस बात का है कि अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो हश्र आपकी बहू का हुआ
वही इस बच्चे का भी होगा। जिंदगी भर उसे पागल खाने में ही रहना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं समझ गई, मैं अपने वंश को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इसको बचाऊंगी, किसी कीमत पे बचाऊंगी। मैं उसको अपनी ममता के साथ में पालूंगी। तन्हाई में मुझसे कोई
इधर खड़ा, अब चमाट मारूंगा कान के नीचे। इधर क्या हुआ चौटाला, कौन है ये लोग? मैडम जी, ये नैनीताल के छठे हुए पियक्कड़ हैं। क्या किया इन्होंने? अरे किया मैडम जी, इन्होंने क्राइम की माँ को पिया, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या मतलब? मैडम जी ये देखिए किताब, अल्कोहल इज द मदर ऑफ एवरी क्राइम, यानी शराब सब अपराधों की माँ है। और मैडम जी मैंने सोचा, हो ना हो किलर इन्हीं में से कोई एक है, यानी इन्हीं में से किसी ने शराब पीकर, दस्ताने पहनकर, लेंस लगाकर, यानी अब समझ रही ना मैं क्या कर रहा हूं? आपको समझने की जरूरत नहीं, आप देखती रहिए मैं क्या करता हूं। अब 13 मार्च की रात को 10 बजे किधर था तू? रात के 10 बजे? हाँ। मैं तो 6 बजे ही अड्डे पे पहुंच जाता हूँ और फिर सुबह वापस आ जाता हूँ। क्यों बे? अब तू किधर था रात को 10 बजे 13 मार्च को? घोटाला साहब। अबे घोटाला नहीं चौटाला। सॉरी दरोगा जी, मैं यारों का यार हूँ, यारी निभाता हूँ और अपने यार के साथ रहता हूँ। तू बे? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हाँ? मैं यारी निभाता हूँ इसके साथ। तू भी? लेकिन साहब देसी दारू के अड्डे पर नहीं। हाँ? अंग्रेजी दारू के अड्डे पे। अच्छा, लेकिन साहब ये गद्दार है, रोज 10 बजे मुझे टुन करके मुझे छोड़ के चला जाता है। उस दिन भी गया था? उस दिन भी साहब चला गया था साला। बस माँ का साहब। बस क्यों बे, तू किधर था रात को 10 बजे 13 मार्च को? मैं नहीं बताऊंगा साहब, हरगिज नहीं बताऊंगा, इट इज फाइनल। अब चमाट मारूंगा, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा तो मैं बताऊंगा ना साहब। पहले इसे साइड करो, SID साइड। अकेले में बताएगा? बिल्कुल। अब चलो बे उधर बेंच पे उठो चल के। हाँ बोल बेटा। वो बात क्या है ना साहब, मैं रोजाना इसे टुन करके इसके घर चला जाता हूँ, इसकी बीवी के पास। अब बड़ा चालू है यार तू। तो शट अप एंड एवरीबॉडी गेट आउट। वो मैडम जी क्या है ना, वो मेरी गलती नहीं है, सारी गलती इस किताब की है, टू बी वेरी फ्रैंक। चट्टाला, अगर तुमने अब कोई और किताब पढ़कर हमारा टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। टू बी वेरी फ्रैंक टफ। चौटाला जी ये देखिए, क्राइम की जितनी किताबें मिली आपके लिए सब ले आया हूँ। अब शट अप गेट आउट। इतने खूबसूरत फूल के साथ ऐसा बदसूरत सलूक। आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता, जैसे आंखें जमीन और आसमान का मिलना देखती हैं जो सच नहीं होता, रेत में पानी भी देखती हैं जो सच नहीं होता। बातों का जाल बुनकर गलत हरकतें छिपाई नहीं जा सकती। गलत हरकत वैसे एक बात है, अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा यकीन करते हो तुम। ये देखो इस फूल में कीड़े लग चुके हैं और मैं इसको खत्म करके यहां के इन तमाम खूबसूरत फूलों की हिफाजत कर रहा हूं, समझे? समझ गए, समझ गए। हाय। बिल्कुल सही ठहरे तुम। खूबसूरती हमेशा बेदाग होनी चाहिए, अगर उस पर दाग लग जाए तो उसे खत्म कर देना चाहिए। Anyway, let's go. Sure. Thanks for coming, guys. By the way, 3 ब्यूटीज हमारा इंतजार कर रही हैं और हमें डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे खूबसूरत कौन है। मिस्टर राज, आज की इस रंगीन शाम को अपने गीत और संगीत से 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ठहरी। ओके, कम ऑन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर जयसिंह डबराल की इस पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मशहूर अंग्रेजी राइटर हेनरी हेवलॉक एलिस का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। यह लेखक अपनी किताब में कहता है कि ब्यूटी इज द चाइल्ड ऑफ लव,
यानी सुंदरता प्यार की संतान है। आज रात दबराल साहब की इस पार्टी में ये बात मुझे साबित नहीं करनी, तीन ब्यूटीफुल छोरियां ये साबित करेंगी कि ब्यूटी क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मिस नैनीताल के कंपटीशन का फाइनल राउंड है और इस लास्ट राउंड में मुकाबला है तीन सुंदरियों के बीच में और जिनके नाम है प्रीति रस्तोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। भावना नेगी। ऑलराइट ऑलराइट। लुकिंग नाइस। बेस्ट ऑफ लक दीदी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कनिष्का कपूर। All the best. Yeah, look at the wall. Best of luck. चेहरे पे दिन है, जुल्फों में रात है। चेहरे पे दिन है, जुल्फों में रात है। आप तो आप है। आपकी क्या बात है। आपका हुस्न चलो सबसे अलग ठहरा, आशिक न हो तो फिर क्या बड़ी बात है। आशिक न हो तो फिर क्या बड़ी बात है। चेहरे पे दिन है, जुल्फों में रात है। छुपा सागर में फिर वो मोती भी क्या, ना जले दीपक में फिर वो ज्योति भी क्या। होता है ना हुस्न तो फिर करते तुम इश्क क्या। यही है ना गुरू। खुद पे ही इतराते हैं कैसा है ये सुरू। चांदनी
परवाने ना हो तो फिर शम्मा का हुस्न क्या, congrats. Wow. All yours. Yeah, right. Congratulations, madam ji. किस लिए? हारने के लिए? हारने के लिए नहीं, आपके बच जाने के लिए. क्या मतलब? लो, आप मतलब ही नहीं समझी. अरे मैडम जी, अगर आप मिस नैनीताल बन जाती ना, तो वो जो मेंटल किलर है ना, वो आपका भी टू बी वेरी फ्रैंक. मैं भी तो यही चाहती थी मिस्टर चौटाला, इसलिए तो मैंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, ताकि वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उसका टू बी वेरी फ्रैंक. क्या बात है मैडम जी, कमाल हो गया. नाउ प्लीज लीव मी अलोन. सॉरी मैडम जी. टफ. दीदी, आज तो मिस नैनीताल बनी हो, इसके बाद मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स. नैना, जो मिस यूनिवर्स बनेगी वो मिस वर्ल्ड कैसे बन सकती है? अच्छा, बाय द वे दीदी, मिस यूनिवर्स टाइटल का क्या मतलब होता है? मिस यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड सुंदरी. ब्रह्मांड? तो क्या धरती के अलावा भी कहीं लड़कियां होती हैं? ये जाके तुम अपनी ज्योग्राफी टीचर से पूछना. ये क्राउन अब हम लोग छुपा देते हैं, कल सुबह जब माँ आएगी लखनऊ से तो उसे सरप्राइज देंगे. ओके. बहुत मजा आएगा ना दीदी. नैना, बहुत रात हो चुकी है और मैं बहुत थक गई हूँ, चल चेंज करते हैं और सो जाते हैं. ओके मैम, मैं शाल लेके आती हूँ. कौन है? Who's there? कौन है? Thank you.
All right, shoot. Your Honor, मेरे क्लाइंट की मौका है वारदात पर मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी। जैसा कि मेरे क्लाइंट ने अपने बयान में कहा है कि वो मिस भावना नेगी को उनकी कुछ तस्वीरें देने गए थे। वो डोरबेल बजाने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। Your Honor, इस मामले में दो चश्मदीद गवाह हैं। एक मिस भावना नेगी की छोटी बहन नैना नेगी, लेकिन इस हादसे के बाद बदकिस्मती से वो कोमा में आ गई हैं। और दूसरे चश्मदीद गवाह हैं मिस्टर हरि विश्नोई। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर हरि विश्नोई से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर विश्नोई, आपने अपने बयान में कहा है कि आपने अपने बेडरूम की खिड़की से पूरा हादसा देखा, मेरे क्लाइंट को अरेस्ट होते हुए देखा, और आपको यकीन है कि मेरे क्लाइंट ने ही मिस भावना नेगी का कत्ल किया है। जी हाँ। आपको याद है जब यह हादसा हुआ तो रात के कितने बजे थे? जी यही कोई 1:30-2 बज रहे होंगे। उस वक्त आप जाग रहे थे या सो रहे थे? जी सो रहा था, लेकिन सामने के बंगले से उठापटक की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं सीधा खिड़की के पास गया और वहीं से मैंने सब कुछ देखा। मिस्टर विश्नोई, आप चश्मा पहनकर सोते? जी नहीं, कोई चश्मा पहनकर थोड़ी सोता है। इसका मतलब जब आपने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट होते हुए देखा तो आपने चश्मा नहीं पहन रखा था, राइट? जी नहीं। आपने जो चश्मा अभी पहन रखा है वो दूर का है या पास का? जी दूर का, मेरी नजदीक की साइड ठीक है। मतलब अभी अगर आप ये चश्मा उतार दें तो आपको मेरी शक्ल तो साफ साफ नजर आएगी, लेकिन जज साहब की शक्ल धुंधली नजर आएगी। जी योर ऑनर, जो शख्स दिन के उजाले में बिना चश्मे के साफ नहीं देख सकता, उसे रात में कोई चेहरा साफ कैसे नजर आ सकता है? फिर विटनेस बॉक्स और आपके बीच जितना फासला है, मिस्टर विश्नोई और मिस भावना नेगी के बंगले के बीच का फासला उससे कहीं ज्यादा है। जाहिर है चश्मदीद गवाह मिस्टर विश्नोई के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, और प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई विटनेस या सबूत नहीं है। द कोर्ट अग्रीज विद द डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूशन वाकई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, लिहाजा ये अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है। नेहा, क्या हुआ नेहा? Are you all right? Kya hua? I'm fine. I'm so excited. I finally got the job. Really? Kahan? Kis jagah? Arey Neha, bata to sahi kahan mila? My favorite place, Nainital. Hasi wadiyan, khoobsurat nazare, thandi hawaye, and no entry for pee pee pop and pollution. Pata hai? Mr. Dabral ne mujhe chuna hai. Unka ek huge bungalow ka interior exterior decorate karne. Chalo, main dikhati hu. Unhone ek photograph bhi bheja hai. Wow,
व्हाट अ लोकेशन। मेरा पहला ही जॉब इतना इंटरेस्टिंग होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। चलो भैया और भाभी को बताते हैं। कम ऑन भैया भाभी, गुड न्यूज। आखिर भगवान ने तेरी बात ही मानी। मानना ही था क्योंकि भगवान जी को भी पता है कि आजकल की लड़कियों की प्रायोरिटी है उनका करियर। है ना भगवान जी? प्रायोरिटी का नहीं, प्रेयर का रिजल्ट है ये, और वो भी मेरी पूजा का। अच्छा, मतलब तुम भी इसकी नौकरी लगने की प्रार्थना करती थी। हाँ तो तुम्हारा बस चलता तो तुम एक दो साल पहले ही इसके हाथ पीले करके इसे मुझसे दूर कर देते। दूर तो अभी जा रही है भाभी, हम सबसे। कहाँ? नैनीताल भाभी, मुझे नैनीताल में एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला। अच्छा, है मिस्टर जय सिंह डबराल का बंगलो डेकोरेट करने। जय सिंह डबराल? वो नैनीताल की मेयर है और बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट। भैया देखिएगा, मैं अपने पहले ही प्रोजेक्ट में साबित कर दूंगी कि विजय चोपड़ा की बहन नेहा चोपड़ा इज द बेस्ट। बस भगवान जी की थोड़ी मदद चाहिए। हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है नेहा। कृपया ध्यान दें, दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कुछ ही देर में रवाना होगी। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी इलाहाबाद दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चलकर काठगोदाम पहुंचने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। सभी यात्रियों का काठगोदाम स्टेशन पर स्वागत है। ये लीजिए बहन जी। थैंक यू। हाँ ये लो। अच्छा बहन जी, कूली with purity. आप यही के रहने वाले हो? हाँ, रानीखेत। क्या नाम है आपका? नारायण। वो मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? शीतला देवी का। और यहाँ से कितनी दूर है नारायण? पहुँच गए। नेहा चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली। जी। थैंक यू। डबराल साहब आप बैठिए, मैं बताता हूं उनको। साहब कहाँ हैं? आ गई नेहा चोपड़ा। हाँ साहब। मिस नेहा चोपड़ा, तुम आई गई हमारी दुनिया में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हें देखकर ये कह सकता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। प्लीज सिट डाउन। नो थैंक यू सर,
ये मेरा पहला ही असाइनमेंट है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपको मेरा काम जरूर पसंद आएगा। पहले मैं इंसान को पसंद करता हूँ, फिर उसके काम को। मुझे तुम पसंद आ गई हो तो तुम्हारा काम भी पसंद आ जाने वाला ठहरा। वैसे आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, यही वो कॉन्फिडेंस है जिसके जरिए लोग मेरे करीब चले आते हैं। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे उस बंगले पर जा सकती हो जो मेरे पुरखों का है, जो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तरह खूबसूरत बनाओ। बट इफ यू वॉन्ट टू गो लेटर, नो प्रॉब्लम। सर, मैं अभी चली जाऊंगी। और रहने का जहां तक सवाल है, तुम कहीं भी रह सकती हो, वहां या यहां, हमारे पास, as you wish. Yes, sir. मैं साइट देखकर आपको बता दूंगी। नेहा, मैं अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझता, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता हूँ। जी। क्योंकि प्रॉपर्टी पर अपना हक होता है, और जिस पर अपना हक होता है, इंसान उसका ख्याल ज्यादा रखता है। लेकिन तुम भी दो बातों का ख्याल रखना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और सवाल करने वाले मुझे ना पसंद ठहरे। मैं इसका ख्याल रखने की कोशिश करूंगी सर। रखो, इसके जरिए मैं तुम तक कभी भी पहुंच सकता हूं। थैंक यू सर। ब्यूटी विद ब्रेन्स, कैसी लगी मेरी चॉइस? आपकी तरह सर, बिल्कुल अलग। चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली? हाँ। नाथूराम उर्फ नारा, पजामे में बांधने वाला नारा नहीं, इलेक्शन में लगाने वाला नारा नहीं, केवल नारा। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। ये प्राणी आपको परेशान कर सकता था, इसलिए मैंने खामोश कर दिया। मैं मैदान का रहने वाला हूँ, पहाड़ मुझे पसंद नहीं, नैनीताल भी नहीं। अगर आपको यहाँ रहना हो तो आपके लिए मैंने कमरा साफ करवा दिया है। यदि आपको रात को यहाँ अकेले में डर लगे या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज प्लीज नाथूराम नाड़ा को बिल्कुल याद नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी इन द नाइट। मैडम, आपको मेरी इस खास घड़ी को देखकर अब तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। मैं तो ये मानता हूं कि जो बेवकूफ इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता, बल्कि बर्बाद कर देता है उसको, वो बात अलग है कि यहाँ मेरी जिंदगी चूहों ने बर्बाद कर दी है। शाम को 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है और इस वक्त मेरी घड़ी में बज रहे हैं 4:59:27 और मुझे अपनी जूलियट यानी स्कूटी तक पहुँचने में 7 सेकंड लगेंगे। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ बाकी बचे 26 सेकंड, और इतने कम समय में मैं आपकी किसी बात का जवाब दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल सुबह ठीक 9:23 पे नारा हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसा मालिक वैसा नौकर, मजा आएगा। पपरा पपारा रा, पपरा पपारा रा,
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। यहाँ की पालने में शॉर्ट सर्किट है। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए देखिए, वो देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर शावर का टैप छू लेती तो चिपक जाती उससे। ओह माय गॉड, अब समझ में आया कब से डोरबेल बजा रहा हूँ मैं, लेकिन आप तो बस अपनी धुन में थी, मजबूर होकर मुझे इस तरह आना पड़ा। अब रुकिए, अभी आया। अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनिए, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ठीक है, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन मेरा तरीका गलत था, इरादा नहीं। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं। वैसे मेरा नाम राज है और मैं सामने वाली कॉटेज में रहता हूँ। आप शायद डबराल साहब की खास मेहमान हैं। मेहमान नहीं, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ। माय नेम इज नेहा चोपड़ा। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री ली है और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ओह, क्या बात है, मतलब चीजों को खूबसूरत बनाने की पढ़ाई की है आपने। जी। वेरी गुड। वैसे मेरे शौक भी कुछ ऐसे ही है, धीरे धीरे जान जाएंगे आप। और हाँ, कभी कोई जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। आपने नहीं भी किया तब भी हाजिर हो जाऊंगा। बाय। वैसे एक बात है, बहुत कम लोग होंगे जिनकी पहली मुलाकात ऐसी हुई होगी। ब्यूटी विथ बॉडी। मुस्कुराना सारी महफिल की जरूरत हो गया। आप क्या आए कि सब कुछ खूबसूरत हो गया।
थैंक यू तिवारी। हेलो। देखा, चाहा और पहुंच गया तुम तक। कैसी लगी लोकेशन? जवाब नहीं है सर, सुपर्ब। यहाँ का इंटीरियर और लैंडस्केपिंग एक चैलेंज है, एंड आई लव चैलेंजेस। थैंक यू सो मच सर। गुड। खास समय पर खास काम के लिए खास इंसान को ढूंढ लेना मेरी खासियत है, मानती हो ना तुम? यस सर। सर, काफी आवाजें आ रही हैं। कोई बचने की कोशिश कर रहा है। तुमने अपने रहने के बारे में क्या सोचा? मैं यही रह लूंगी सर। यहाँ रहकर मैं अपना काम और ठीक से कर पाऊंगी। तुम आराम से रहो वहां पर बिना किसी डर के, क्योंकि मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला हुआ। थैंक यू सर। नाइस, इंटरेस्टिंग गर्ल। कमिंग, वन सेकेंड। आई एम बैक। मैंने कहा था ना, आप याद नहीं भी करेंगी तब भी। आइए ना। लेकिन ये सब क्या है? देखिए, अभी मेरे आने की दो वजह। पहली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं शरीफों की तरह भी अंदर आना जानता हूँ। और दूसरी, मैं जानता था यहाँ का कैटेगर नाथुराम, जो समझ में नहीं आता घड़ी उससे पैदा हुई है या वो घड़ी से ठीक 5 बजे चला गया होगा। और मुझे पूरा यकीन था इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा गर्मा गर्म चाय पीने का। लीजिए। बस फिर क्या था, अपने आप को एक अच्छा पड़ोसी साबित करने की तमन्ना जोश मारने लगी, फिर चाय ने उबल कर दम लिया और हाथों ने सैंडविच बनाकर ये लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आप। हाँ, तभी तो यहाँ सुनसान में अकेला रहता हूँ। अब आप शायद सोच रही होंगी कि मैं करता क्या हूँ। तो आपका काम है चीजों को खूबसूरत बनाना, और मेरा काम है खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देना। नहीं समझी ना? मैं एक फोटोग्राफर और पेंटर हूँ, और इतना कमा लेता हूँ कि ठीक ठीक तरीके से रह सकूँ। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, चलता हूँ। वैसे एक बात है, छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? आइंदा दरवाजा देख के खोलना। गुड नाइट। तुझ में नमी
यार मेरा है इतना हसी कि तुम सब में तो लगती है कमी। ऐ सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। देखते ही दिल को जो लूट ले ऐसा है जादू किसी में कहां। तुम्हें तन्हा न छोड़ेगी मेरी निगाह, तुम्हें तन्हा न छोड़ेगी मेरी के आंखों में हो तुम ही तो बसे। ऐ सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। दिल बेताब है बस यही ख्वाब है, तुझको मैं अपना बना लूं सनम। तुझे दुनिया से छीन लूं तेरी कसम, मोहब्बत की है ये दीवानगी। सुबह तू शबनमी, ऐ घटा तू सुरमई। ऐ हवा तुझ में नमी, करेक्ट 36 मिनट 37 सेकंड लेट हो चुकी हैं। अगर हम दोनों 20 किलोमीटर की स्पीड से भी चले होते तो टाउन के बहुत नजदीक पहुंचे होते। मिस्टर नथुराम जी, कुछ दिन और तुम्हारे साथ रह लूंगी ना तो सारी घड़ियां ही तोड़ दूंगी। मैडम आप घड़ियों को जरूर तोड़िएगा, नथुराम को नहीं। आइए बैठिए इस पे, इस खटारे पर बैठकर टाउन जाएंगे। खटारा? मैडम ये मेरी जूलियट है। मैडम कुछ नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी के 100 घंटे 36 मिनट और 52 सेकंड इस्तेमाल किए। मैंने इसको, इसका मेरा कुछ जज्बाती रिश्ता है मैडम। अच्छा चलो चलिए। व्हाट इज दिस नाथू, तुम्हारी बीएमडब्ल्यू खटा रहा है, चलो ठीक कराओ। बंद हो गई, गर्म हो गई होगी। इससे पहले इस पे कोई लड़की बैठी नहीं और आपने इसे खटारा भी कह दिया। लेकिन मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। हाँ अरे बाबा चलो। अरे नथुराम जी, इतनी आन बान और शान के साथ ये सवारी किधर जा रही है? टाइम सर जी, टाइम। टाइम खराब हो तो कुत्ता भी ऊंट की पीठ पर बैठे हुए आदमी को काट लेता है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मंजिल का कुछ पता नहीं, रुकना मेरी आदत नहीं, पता चलते ही बता दूंगा कि कहाँ जा रहा हूँ। वैसे एक बात है, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ आप जा रही हैं। तो चलिए। कहाँ? टाउन। अरे आप लोग यहाँ एक मिनट से टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से भी एक शेर सुनिए। इरशाद इरशाद। यह एहतियात जरूरी नहीं सभी के लिए। वाह वाह। यह एहतियात जरूरी नहीं सभी के लिए, घड़ी घड़ी की खबर रखना दो घड़ी के लिए।
बाय 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 नाथू। अरे मैडम को सेफली ले जाना और 5 बजे से पहले वापस लाना, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी इन द नाइट। मिल गई, यही दुकान है, जो चीज आपको चाहिए यहाँ मिलेगी। ओके। वैसे 2 और दुकानें भी हैं, लेकिन वहाँ 10 रुपए की चीज 50 में मिलती है, वही प्रॉब्लम है। और देखिए हर तरह की बुक्स भी मिल जाएंगी, डिजाइनर बुक, कुक बुक, फोन बुक भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ का ओनर थोड़ा सा क्रैक है। क्यों? बहुत बोर करता है, भाग जाते हैं। चलिए। लगता है आप ये शहर और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, लेकिन ये शहर और यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। क्यों? चलो अभी मैं आपको एक अच्छी कॉफी पिलाता हूँ। गुड आइडिया। वाओ, ये है बोट क्लब। इट्स सो प्रिटी। ये नैनीताल का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए लाया हूँ यहाँ कॉफी पिलाने। इट्स रियली नाइस। यहाँ बैठिए। यस भाई साहब, 2 कॉफी लेकर आइए। सिट। चलो बाजी, ऐसे नहीं बैठना। हाँ जी, चलो जी, चलो। राज, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, यहाँ के लोग आपको देखकर बहुत बहुत अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं। शायद आपसे डरते हैं। आप कहीं यहाँ के दादा वादा तो नहीं है ना? आपको क्या लगता है? थैंक्स। लोगों को मुझसे डरना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कोई तो वजह होगी। सही वजह क्या है ये जान जाएंगे आप। वैसे एक बात है, एक वजह आप भी हैं। मतलब ये जो नैनीताल है एक छोटी सी दुनिया है, और ऐसी दुनिया में जब ऐसी खूबसूरत लड़की एक ऐसे लड़के के साथ हो तो वही होता है जो आप देख रही हैं और महसूस भी कर रही हैं। अरे ठीक से झाड़ू मारो। अरे बाबा, एक जगह कचरा जमा करो। अरे भाई, संभाल के फर्नीचर संभाल के उठाओ, टूटना नहीं चाहिए। दबरा साहब बहुत नाराज हो जाते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? ए नाथू जी, जरा इधर आओ, वहां से जरा मेजरमेंट लेना। हाँ, जल्दी जल्दी। अरे यहाँ कहाँ देख रहे हो, काम करो ना जल्दी। हाँ, कितना हुआ जी? 10:11। नाथू, मैं टाइम नहीं मेजरमेंट पूछ रही हूँ। हमारे कहने का मतलब है 10 फुट 11 इंच। अच्छा, जिन लोगों को बुलाया था वो लोग आ गए? जी, वो तो पिछले 1 घंटा 45 मिनट 36 सेकंड से आपके बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर बुलाओ ना जल्दी। मिस्टर असलम, मिस्टर गणपत, प्लीज कम। नमस्ते। आप लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन आता है? बीबी जी, यहाँ ऐसे काम संभालने वाले हम ही लोग हैं, 1-2 साइड पर काम चल रहा है हमारा। ठीक है, पर मुझे काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। काम बढ़िया करेंगे, आप चिंता ना करें। ओके, आइए मैं दिखाती हूँ। भैया जरा जल्दी कीजिए, इधर आइए। यहाँ सेंटर में मुझे 7 फुट चौड़ी वाटर बॉडी बनानी जी। दोनों साइड पे एक बहुत ही अच्छा ग्रास माउंट बनाना है, और वहां स्लोप पे एक वाटरफॉल, और घर के साउथ वेस्ट में एक नर्सरी बनानी जी। तो देखिए भाई लोग, बहुत सारा काम है, आप कल से ही लोगों को काम पर लगा दीजिए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए। ए नाथू, कम है? हाँ, कल सुबह ठीक 8:30 बजे सबसे अच्छे नर्सरी के मालिक को बुला लीजिए, मुझे उनसे कोटेशन लेना है। ये ऑर्डर आपको 57 मिनट डिले करना पड़ेगा। अरे आप? नाथुराम जी, 9:27 से पहले यहाँ नहीं आ सकते हैं,
सर जी, मैं वक्त पर तो आता हूँ। कई लोग बेवक्ती हर जगह पहुँच जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो? कचरा एक जगह। मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, और मुझे पता ही नहीं चला। पता चल जाए तो फिर फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? वैसे एक बात है, आप बहुत दिल लगा के काम करती हैं। वो क्या है ना राज, इस घर का एक्सटीरियर काफी मुश्किल है। काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता और मैं इस घर का टॉप व्यू देख पाती। टॉप व्यू? वो तो आप अभी देख सकती हैं। रियली? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। ओह कम ऑन राज, ऑफ कोर्स मैं आप पर यकीन करती हूँ। तो चलिए। चल। वैसे एक बात है, आप बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं। उधर जाओ। नेहा तुम यही रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। ओके ओके। हेलो मिस नेहा चोपड़ा। यस। तुम्हारी जान खतरे में है। व्हाट? योर लाइफ इज इन डेंजर। कौन बोल रही है आप? फिलहाल तुम इतना समझ लो कि मैं तुम हेलो 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 किसका फोन था? पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी मेरी जिंदगी खतरे में है। खतरा तो है, जमीन से काफी ऊपर सिर्फ एक तार पर झूलते हुए अकेले इस पार से उस पार जाना खतरे की बात तो है। चले चले। ओके बाय। हाँ चलिए आप आ जाइए। ओ यस यस। Thank you.
नेहा देखो, नीचे देखो नेहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, मेरे बाजुओं पर भरोसा नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तो मेरी आंखों में देखो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। देखो, तुझको भी खुदा ने बनाया, तू भी खुदा की कुदरत है। तुझसे मोहब्बत सच पूछो तो, तुझसे मोहब्बत सच पूछो तो तुझे पाके खुश हैं हम।
इससे बड़ी दिल लगी क्या होगी। आर्किटेक्चर है कितना खूबसूरत मंदिर है ना राज, देवी माँ का है, लेकिन मेरे लिए ये मंदिर नहीं माँ की गोद है। जब भी लगता है थक गया हूं यहां आ जाता हूं। इतनी सारी घंटियां ये किस लिए राज? घंटियां देवी माँ पर लोगों का विश्वास है, जिसकी मन्नत पूरी होती है एक घंटी यहां बांध जाता है। और मेरा विश्वास है तो प्यार करने वाले अगर एक साथ घंटी बांधे तो उनका प्यार अटूट हो जाता है हमेशा के लिए, उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे तुम वाकिफ हो रही हो यहां की आबोहवा से, यहां के रास्तों से। लेकिन एक बात याद रखना, बड़े ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते ठहरे यहां के। जिस रास्ते से तुम ऊपर जाना चाहती हो वो रास्ता तुम्हें नीचे लाकर छोड़ता है। जो तुम्हें अपने सामने बिल्कुल करीब दिखाई देता है वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना काफी वक्त लग जाता है और मैं तुम्हें वक्त दिए जा रहा हूं। सर, मुझे मालूम है मैं यहाँ क्या करने आई हूँ और पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही हूँ। आई मीन आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम सर। नो यू आर नॉट, इनफैक्ट मैं खुश हूं तुम्हारी मेहनत और लगन से। अपने आप को खतरे में डालकर इस जगह को टॉप व्यू से देखना, आई लाइक योर अप्रोच। किसी भी चीज का फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए, जो तुम भी कर रही हो और वो मैं भी कर रहा हूं, मगर इस वक्त बर्बाद होते जा रहा है। जी, मेरा मतलब है ये वक्त डिनर का ठहरा। लेट्स गो। सर, वो क्या है कि मैंने कहा था तुमसे कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं और सवाल करने वाले मुझे ना पसंद ठहरे। Anyway, फिर कभी। Good night. और पता है, मैं अंदर आ गई और एकदम से डर गई। डबराल साहब खड़े थे अंधेरे में। फिर क्या, जैसी उनकी आदत है बहकी बहकी बातें करने लगे और फिर मुझे डिनर पर इनवाइट किया। लेकिन वो समझ गए कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी और फिर चले गए। लेकिन पता है मैं बहुत डर गई थी। चलो खाना खा ले अब। सॉरी।
सर्व करने की तमीज नहीं है? अंधे होकर चलते हो? सॉरी सर। किसने रखा तुम्हें काम के लिए? दफा। राज, राज इट्स ओके, गलती हो गई। रिलैक्स। क्या रिलैक्स? नई जैकेट खराब कर दी मेरी। क्या देख रहे हैं? साफ तो कर। जी सर। इडियट। भैया ठीक से देखना चाहिए ना, जल्दी से साफ कर दीजिए। हेलो, तुम्हारी जान खतरे में है। यू आर इन डेंजर। क्या, कौन बोल रहे हैं? कौन है आप? पहले किसी लड़की का फोन आया था और अब आपका? तुम इस समय जिसके साथ हो, he's a dangerous man, believe me. क्या बकवास कर रहे हैं आप? What nonsense is this? कौन है आप? Who are you? Deputy Superintendent of Police, Harsh Vardhan. तुम अभी आकर मुझे कोतवाली में मिलो। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया। नेहा, किससे बात कर रही हो? हाँ, हाँ भैया। भैया, लो मैं। नहीं नहीं नहीं। हाँ। वो तुम्हारे साथ है शायद। हाँ। ठीक है। तुम कल सुबह आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ ठीक है। मैं फोन कर लूँगी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, वो भैया का फोन था ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हालचाल पूछ रहे थे। आओ चले। हाँ चले। मुझे नहीं लगता आपने नेहा को राज के बारे में बताकर ठीक किया। मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपनी लाइफ में कभी शतरंज का खेल नहीं खेला। और एक पुलिस वाले के लिए शतरंज का खेल खेलना अच्छी तरह आना चाहिए। शतरंज के लिए तो सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पुलिस वालों का तो दिल भी होता है। कोई ऐसा खेल नहीं मालूम आपको जिसमें दिल का इस्तेमाल हो? प्रीति, एक सलाह देता हूं तुम्हें, एडवाइस, फ्यूचर में कभी भी यूज कर लो। ड्यूटी के लिए जब निकलती हो ना, तब अपना दिल घर में रखने की आदत डाल लो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो दिल का खेल होता है ना, उसमें अक्सर चीत किसी की नहीं होती। एंड एज यू नो, आई हेट लूजिंग। बाय राज, गुड नाइट। गुड नाइट नेहा। भैया का ही फोन था? हाँ हाँ, भैया का ही फोन था। नहीं, वो फोन डीएसपी हर्षवर्धन का। वैसे एक बात है, प्यार करने वाले झूठ बोलना नहीं जानते। गुड नाइट। अंधेरा हो गया। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। ये छोटी जगह है, अंधेरे उजाले का ये खेल यहां आम बात है। मुझे अंधेरे बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू में डराते हैं, लेकिन जब हम इनके आदी हो जाते हैं ना, तो ये दोस्त बन जाते हैं। नेहा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है शायद। नहीं तो? बेकार की बातों के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में, अपने प्यार के बारे में सोचो। नेहा, तुमने कभी चांदनी रात में नैनीताल की पहाड़ियों को देखा है? खिड़की खोलो। खिड़की? हाँ नेहा, खिड़की खोलो। मैं आ गई हूं। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये पहाड़ियां। अब चांद को देखो,
अब इस वक्त मेरे सामने दो चांद हैं और ये तय करना मुश्किल है कि ज्यादा खूबसूरत कौन है। बटराज, इस वक्त सिर्फ चांद को देखो और कुछ कहो अपने मन में, तुम भी मैं भी, और अगर हमने दिल से सच्ची बात कही तो लाइट आ जाएगी। लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तुम भी कर लो। क्लोज योर आइज नेहा। I love you, Neha. तुमने भी यही कहा था ना? हाँ. I love you, Raj. I love you. Good night. मिस नेहा? यस। डीएसपी हर्षवर्धन। हेलो। मैंने आपको फोन करके बुलाया था। जी। चलिए। सर, मिस नेहा, एसपी सूरज विश्नोई, प्रीति रस्तोगी। हेलो। हाय। प्लीज सिट डाउन। जोशी। यस सर। मिस नेहा, शायद आप नहीं जानती लेकिन पिछले कई महीनों से नैनीताल में काफी लड़कियों का कत्ल हुआ है, सुंदर लड़कियों का। उनमें से 5 लाशें भी मिली है। मेघना श्रीवास्तव, विनीता शर्मा, सुषमा गुप्ता, गीता पांडे और मिस नैनीताल भावना नेगी। 6 लड़कियां लापता हैं जिनके बारे में हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है और ना ही उनकी डेड बॉडीज। मिस नेहा, जिन लड़कियों की लाशें मिली है उनका कत्ल एक ही तरीके से हुआ है और हर लाश के पास ये चीजें मिली है। कहने का मतलब है हर कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है और वो शख्स है राज सिंह। वही राज सिंह इस वक्त जिसके तुम बेहद करीब हो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ नेहा, यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। जिसने भी राज को देखा है, मिला है, वो ये कभी नहीं मानेगा। वो अपनी पर्सनालिटी का फायदा उठाकर खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करता है। और तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर उनके यकीन को हासिल करता है, उनसे प्यार का झूठा नाटक करता है और फिर एक दिन, और इस बार उसका निशाना तुम हो। जब से तुमने नैनीताल में कदम रखा है तुम पर नजर है मेरी, हम सब की। देखो, हर बार हादसा होने के बाद ही हमें हादसे के बारे में पता चला है, लेकिन इस बार कुछ होने से पहले ही हम उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाए। समझ रही हो ना तुम? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग इतना ही श्योर हैं तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे पिछले मर्डर के वक्त हमने उसे गिरफ्तार किया था। व्हाट? हाँ, लेकिन उसके वकील ने गवाह को दलीलों में ऐसा उलझाया कि अदालत ने उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो सॉरी, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। कोर्ट ने उसे बेकसूर माना है तो मैं उसे गुनेगार कैसे मान सकती हूँ? देखो नेहा, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? कुछ भी कहे जा रहे हैं आप लोग, पुलिस को किसी पर भी शक करने का अधिकार हो सकता है, यकीन करने का नहीं। और मैं मानती हूं राज किलर नहीं। राज इज अ किलर, हमारी बात मानो वरना कल तुम्हारी फोटो बाकी लड़कियों को दिखा रहे होंगे। नेहा,
शायद तुम हमारी बात इसलिए नहीं मान रही हो क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगी हो। हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं पागलपन है नेहा, खुदकुशी है। तुम खुली आँख से खाई की तरफ बढ़ रही हो। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पुलिस की मदद करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ सर, मैं आप लोगों की मदद जरूर करती अगर मेरा दिल कहता। लेकिन मेरा दिल कहता है कि राज हत्यारा नहीं है और दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। बाय बाय सर, एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, आई लव हिम। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने ठीक किया ना राज? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, अपने दिल की आवाज सुनता, यही कहता। राज, तुम और मैं अलग कहाँ हैं? दिल भी एक है, धड़कन भी एक है और आवाज भी एक है। आज की रात मेरे लिए एक बहुत खास रात है। आज तुम्हारा पूरा प्यार, पूरा यकीन हासिल कर लिया मैंने, और अब मैं तुम्हें अपना वो हुनर दिखाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। अच्छा? हाँ नेहा, एक ऐसी तस्वीर जिसे दिल ने देखा है, हाथों ने बनाया। अभी आया। अरे राज जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। बस अभी आया। राज लाइट चली गई। रोज की बात है, आ जाएगी। राज, राज जल्दी आओ, लैंटर्न भी बुझ गई। राज कहाँ हो? कमिंग बाबा। बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ ना। माचिस कहाँ है? देखो वहाँ कहीं शेल्फ पर होगी। नहीं है यहाँ राज। नेहा वहीं होगी, देखो ठीक से।
टैक्सी आ गई क्या? आ गई मैडम। मेरा सामान नीचे ले आओ। जी मैडम। उड़ जाए उड़।
उड़ जा रहे पंछी, पछ पछ के संभल संभल निकल निकल रहा, पछ पछ के संभल संभल निकल निकल रहा। प्यार में ऐसा भी अक्सर हुआ है, दिल के बदले ये जा भी चली जाती है। तुम्हें मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है? यहां मैं वर्तमान को अतीत के आईने में, या यूं कहो सांचे में ढालकर देखता हूं। सर, मैं आपकी नौकरी और ये शहर दोनों छोड़कर जा रही हूं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रिलेशन अब तक ठीक से नहीं बना, रेजिग्नेशन लेटर बन गया। नेहा, तुम नैनीताल छोड़कर जा रही हो, कोई बात नहीं, मगर डबराल के काम को छोड़कर जा रही हो, बात है। शायद तुम भूल गई, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने एम्प्लॉयज को अपनी प्रॉपर्टी समझता हूं, और प्रॉपर्टी से जुड़ा हर फैसला प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपराइटर करता है। आई एम सॉरी सर, आपके समझने से मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते आई हूं। मैं जाऊंगी सर, आई एम सॉरी। मगर तुम दोबारा आओ, जानता हूं। कम 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 डाउन, लीव इट आउटसाइड, बाहर छोड़ कर। ठीक ही कर रही हो, क्या फर्क पड़ता है कुछ और जाने जाती है तो, कुछ और लड़कियां गायब हुई तो क्या फर्क पड़ता अगर खुलेआम घूमने वाला मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। वैसे भी गैरों के लिए अपनी जान खतरे में डालना बेवकूफी है, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, सब मरने से डरते हैं। हाँ, हाँ डरती हूँ मैं मरने से, क्या समझते हैं आप पुलिस वाले, आपने देखे होंगे खूनी हथियारे, मैंने नहीं देखे। डरती हूं मैं मरने से, डर लगता है मुझे। मैं आई थी यहां कुछ सपने लेकर, काम करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। दिल की आवाज सुनी मैंने, प्यार किया मैंने, विश्वास किया मैंने, लेकिन लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे लोग भी होते हैं। I was wrong, बहुत बुरा किया उसने। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। I'm sorry. मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था,
कभी हो भी नहीं सकता। प्लीज अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन नेहा एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दिखाना चाहता हूं जो मौत से भी खराब है, ऐसी आंखें जो रो तो सकती है पर महसूस नहीं कर सकती, ऐसे होठ जो हंसना तो दूर हिल भी नहीं सकते, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, लेकिन उसकी मां उसकी जिंदगी के लिए नहीं उसकी मौत के लिए दुआ करती है। उस मां से मिलाना चाहता हूं, चलोगी मेरे साथ? दोबारा तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, एक बार फिर तुम्हें छोड़े खुद वापस आऊंगा। प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते। आइए डीएसपी साहब, अब उसकी हालत देखी नहीं जाती, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, दे दो उसे भी जहर ही दे दो। उस हत्यारे ने अगर भावना के साथ इसे भी मार दिया होता तो ये रोज रोज की मौत तो नहीं देखनी पड़ती। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति हो जाएगा माँ जी, मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैं जानती हूँ मेरी बेटी अब कभी ठीक नहीं होगी, और वो हत्यारा यूं ही लड़कियों की हत्याएं करता रहेगा और आजाद घूमता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना आपका कानून ना आपकी पुलिस। चुप हो जाइए माँ जी प्लीज। ये नैना है, भावना की बहन, ये देख सकती है सुन सकती है मगर कुछ बोल नहीं सकती। पिछले 6 महीनों से ये कोमा में है, अगर इसकी ये हालत न होती तो हम कभी तुमसे मदद के लिए नहीं कहते। भावना के साथ जो जो हुआ इसने अपनी आंखों से देखा है, उस किलर को भी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब कोई उम्मीद नहीं है। चलो निया, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाता हूं। नहीं, अब आप लोगों का मिशन मेरा भी है, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। थैंक यू निया, थैंक यू वेरी मच। चलो निया, तुम प्लान तो ठीक से समझ गई ना? हाँ। जैसे ही तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे इस मोबाइल से 9 नंबर प्रेस कर देना। सी ऑल द बेस्ट। 9 नंबर प्रेस करते ही और मिनटों में हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ओके 9 नंबर रिमेंबर, ऑल द बेस्ट। वैसे भी हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, योर सिक्योरिटी इज ऑन हाई अलर्ट। अब मुझे मेरी नहीं उन लड़कियों की फिक्र है जो मेरी वजह से बच सकती है। थैंक यू, यू विल बी ओके। चलो hmm.
बारे में सब कुछ जान गई हो जान। जान से जाना पड़ेगा। We've done it, Preeti. We've done it. मेरा मिशन पूरा हो गया। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। I love you, Preeti. I love you. I really do. I love you, Harsh. I really love you. मैडम कहाँ खो गई? मुझे तो लगता है आपने किलर को पकड़ भी लिया, फांसी भी लगवा दी और हर्ष साहब के साथ घर भी बसा लिया। लेकिन जिनके ख्याल में खोई हुई है ना वो तो कब के निकल लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। You cannot leave me like this. तुम्हें कितना कितना मिस किया मैंने, कितना मिस किया। कल रात बिना बताए गायब हो गई थी। आज सुबह टैक्सी मंगा के नैनीताल चली गई। मुझे कुछ बताया भी नहीं, मिली भी नहीं और फोन भी नहीं किया। वो क्या है कि कल रात मुझे अचानक सर में दर्द होने लगा और आज सुबह डबराल साहब का भी फोन आ गया। फोन? हाँ, वो काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहे थे और फिर कुछ अजीब सी बातें करने लगे तो मेरा मूड ऑफ हो गया। और तुम चली गई? तुमने ये भी नहीं सोचा कि कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? डबराल साहब ने कुछ कहा और सजा मैंने भुगती। पागलों की तरह दिन भर ढूंढता रहा तुम्हें। मैं रेलवे स्टेशन भी गया था लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी। नेहा,
तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। क्या हुआ नेहा, कुछ परेशान सी लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो फिर ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ओके। वैसे एक बात है, तुम कुछ अलग से दिख रही हो। थकान ने तुम्हें और खूबसूरत बना दिया। I love you. Good night. Happy birthday. सोरा, आपको पता था? पता होना जरूरी नहीं, याद होना जरूरी ठहरा। चलें? पर कहां सर? हाँ, याद है। सवाल करने वाले आपको नापसंद ठहरे। लेकिन सवाल तो तुमने कर ही दिया, और हम मजबूरी और मर्जी का फर्क समझने वाले ठहरे, और ये जानने वाले भी ठहरे कि बिना मर्जी के कोई मजा नहीं। हम तुम्हारी मर्जी का इंतजार करेंगे। Good night. Mm.
हेलो हेलो इंस्पेक्टर प्रीति रस्तोगी को फोन देंगे, अर्जेंट बात करनी है। मैडम आपका फोन है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, नैना कोमा से बाहर आ गई है और रिएक्ट करने लगी है। क्या? हाँ रियली? मैं अभी हर्ष को बताती हूँ। हाँ जल्दी। ओके थी। हर्ष, हर्ष कमाल की खबर है, तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगे। अब कातिल जो भी है बच नहीं सकता। नैना, नैना को होश आ गया है। क्या? हाँ हर्ष, अभी नैना की माँ का फोन आया था, वो अभी कुछ बोल तो नहीं सकती लेकिन लेकिन वो लोगों को पहचान रही है। She's reacting. Are you sure? किसी को ये बात पता तो नहीं? नहीं हर्ष, पहले ये गुड न्यूज तुम्हें ही दे रही हूँ। वेरी गुड, तुम कहाँ से बोल रही हो? कोतवाली से। क्यों? नहीं कुछ नहीं, तुम वहाँ पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ। और सुनो ये बात किसी को भी मत कहना, किसी को भी नहीं। ओके okay. हाँ वरना नैना की जान को खतरा हो सकता। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके okay, हर्ष। गुड। हाँ नैना बोलो। नैना मेरी दीदी को मारने वाला। हाँ नैना। हाँ नमस्ते। बेटा बेटा भगवान ने कृपा कर दी है, इतने महीनों बाद मेरी बेटी होश में आई है। वो पहचान रही है बेटा। हाँ। हत्यारे को पहचान लेगी, तुम उसे छोड़ना मत। बोलो मुझे मारने। इसने कुछ कहा? नहीं वो बताने वाली थी, पता नहीं। ओके सॉरी माँ जी, सॉरी। प्रीति चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रीति तुम ठीक तो हो ना? गुड नाइट। गुड नाइट सर। नैना वाली फाइल क्लोज कर दो। और सुनो ये बात किसी से भी मत कहना, किसी को भी नहीं,
वरना नैना की जान को खतरा हो सकता।
हर्ष देखो कैसे पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और ये देखो। जी सर देख ही रहा हूं। बड़ी को घर पहुंचा दो। ये पंचनामा है सर। जी सर। ये मैंने सारी चीजें देखी थी, ये ग्लव्स, ये नाइफ, एवरीथिंग। सब कुछ पहले की तरह सर, सेम मोडस ऑफ ऑपरेंडी। लेकिन सिचुएशन सेम नहीं है हर्ष, इट्स अ प्रेस्टिज इश्यू फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। और ये बाहर देख रहे हो ना मीडिया वालों को। मीडिया को छोड़िए एसपी साहब, अपोजिशन वाले क्या करेंगे इसका अंदाजा है आपको? इस तरह तो सरकार चली जाएगी हमारी, और सरकार चली गई तो आप लोग भी, मेरे कहने का मतलब हम लोग तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मेयर साहब आप यहाँ, मुझे बुला लिया था। जब मजा लेना हो तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, जब खबर लेनी हो तो मैं लोगों तक जाता हूँ। बात समझ गए ना? बड़े लोगों की बातें आसानी से कहाँ समझ में आती है सर, आप ही समझा दें तो बेहतर है। डीएसपी, मैं शहर का मेयर ठहरा, यानी ये शहर मेरा है, और तुम जानते हो कि मैं अपनी चीजों की हिफाजत किस तरह करता हूं। मैं जानता हूं मेयर साहब, लेकिन एक बात आप नहीं जानते, इस शहर की हिफाजत आपकी आदत हो सकती है या फिर शौक, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो तुम, यही जानने के लिए मैं यहां तक आया हूं। आज पूरा शहर तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे फर्ज पर सवाल उठा रहा है, और जवाब मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। मैं इसके उस तरह खड़े होकर सवाल करना बहुत आसान है मेयर साहब, लेकिन जवाब जानने के लिए, बात को समझने के लिए टेबल के इस पार आना पड़ता है। एक मुजरिम के फरार हो जाने को उस तरफ से हमारी नाकामयाबी समझा जा सकता है, लेकिन हमारी कामयाबी इसी में कि एक सीरियल किलर जो खुलेआम शहर के सड़कों पर आप जैसे लोगों के पार्टियों में पाया जाता था, उससे छुपने और भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दलील का नहीं, वक्त नतीजे का ठहरा। We want result. अगर 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं इसके उस पार जहां तुम खड़े हो कोई और खड़ा होगा। कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन जानता, लेकिन होगा वो जो होना चाहिए। कमनिया, जो मैंने तुम्हें बताया था वो याद है ना? एनी डाउट? नो डाउट। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू नेहा। वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, सो यू बी केयरफुल, और नौ नंबर डायल करना भूलना नहीं। ओके, हाँ ठीक है, थैंक्स।
नॉट द किलर नेहा प्लीज नेहा प्लीज आई एम नॉट द किलर नेहा मेरी बात तो प्लीज मेरी बात तो सुनो नेहा 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 प्लीज नेहा नेहा मेरी बात तो सुनो नेहा प्लीज आई एम नॉट द किलर नेहा नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज नेहा 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 दरवाजा खोलो प्लीज मेरी बात तो सुनो नेहा नेहा दरवाजा खोलो प्लीज हेलो डीएसपी साहब मेरी बात तो सुनो नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज नेहा मुझे मारना चाहता है मैं खूनी नहीं हूं नेहा नेहा दरवाजा खोलो प्लीज प्लीज नेहा मैं खूनी नहीं हूं नेहा प्लीज जल्दी आइए नेहा मेरी बात तो सुनो नेहा जल्दी आइए प्लीज जल्दी आइए नेहा नेहा मैं किलर नहीं हूँ नेहा मेरी बात तो सुनो वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं नेहा 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात नेहा प्लीज मैं किलर नहीं नेहा 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 आंखें खोलो प्लीज प्लीज नेहा आंखें खोलो नेहा In. मेरा यकीन करो डीएसपी साहब मैं सच कह रहा हूँ डीएसपी साहब मेरी प्रीति को नहीं मारा डीएसपी साहब मेरा यकीन करो डीएसपी साहब ये क्या कर रहे हो यहाँ क्यों बांध रहे हो मुझे यहाँ क्यों लाए हो क्योंकि एक दिन तूने यहाँ को ले आया था उसे अपनी बाहों में उठाया था तूने यहाँ उसके हाथों में अपना हाथ डालकर घंटी बांधी थी तूने हमेशा साथ रहने की मन्नत भी मांगी होगी ना हाँ मांगी थी क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं और नेहा जानता नेहा सर नेहा नहीं है शी इज अ ब्लडी क्वीन एक परी एक खूबसूरत परी मेरी दुनिया की परी बचपन से खोजता आया हूं मैं नेहा को उस दिन जब पहली बार स्टेशन के पास देखा तो मुझे लगा मेरी खोज खत्म हो गई मेरी दुनिया पूरी हो गई जानता मेरी दुनिया पूरी नहीं हो पा रही थी कितनी लड़कियां लाया मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकिन सब में कोई ना कोई कमी थी हाँ हाँ एक लड़की थी मिस नैनीताल
उसे देख के ऐसा लगा कि वो इस कमी को पूरा कर देगी, लेकिन उसे भी नहीं ला पाया। प्रीति वहां पहुंच गई और मुझे वहां से जाना पड़ा, और फिर तू आ गया। सबने तुझे वो समझा जो मैं था, जो मैं हूं। यकीन नहीं होता ना, आंखें जो देखती है अक्सर सच होता है। काम मेरा नाम तेरा। शराब किला नहीं, प्रोटेक्टर रखवाला, कमजोरती का समझ गया ना। हे, लेकिन तू ये नहीं समझा कि मैंने तुझे नेहा को मिलने से और उसके साथ इधर उधर घूमने से रोका क्यों? इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि लोग तुझे ज्यादा से ज्यादा नेहा के साथ देखे, क्योंकि होना तो यही था। काम मेरा नाम तेरा। उस दिन मैं बहुत टेंशन में आ गया था जब नेहा ने सबके सामने मुझे कोतवाली में कहा, आई लव राज, मेरा राज किलर। वो तुझे लेकर बहुत सीरियस हो गई थी, तो मैं भी सीरियस हो गया। फोटोग्राफ्स, ग्लव्स, सिरिंज, चाकू मैंने रखा था तेरे घर में, और उसी रात नेहा ने मेरे सीने से लगकर मुझसे कहा, राज किलर है। काम मेरा नाम तेरा। उस रात बहुत दिनों के बाद मैं सुकून की नींद सोया, लेकिन प्रीति की आंख खुल गई। नैना मुझे देखते ही शौक से मर गई, तो प्रीति को मुझ पर शक हुआ। उसने दादी माँ से बात की, मैंने सब कुछ बता दिया। दादी माँ को बताने की क्या जरूरत थी? उसे चुप करना जरूरी था। Ha ha ha!
जाने दो हर्ष। देखो हर्ष, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, अपना साथी माना है, सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें चाहा है यार। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने तो तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें यहां कभी लाया नहीं। लेकिन आज आज तुम खुद यहां आ गई ना, तो वापस कैसे जाओगी? वापस जाओगी ना तो सबको बता दोगी, बता दोगी ना? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हर्ष। फिर दादी माँ को क्यों बताया तुमने? हाँ, क्यों बताया? लेकिन लेकिन वो तो क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई बात है हर्ष, कोई बीमारी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेंटल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और ना ही मेरी माँ पागल थी। मेरी माँ पागल नहीं थी, मेरी माँ पागल नहीं। तू बता, क्या मैं पागल लगता हूँ, बीमार लगता हूँ मैं? गलत कहा था ना उसने, इसने मैंने उसे हमेशा के लिए उठा दिया और तेरे घर में रख दिया। उसकी लाश काम मेरा, नाम तेरा। लेकिन आज के पास सब ठीक हो जाएगा। मैं नेहा को अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। आज के बाद ना वक्त उसकी खूबसूरती कम कर पाएगा और ना ही उम्र। वो आज जैसी है हमेशा वैसी रहेगी, खूबसूरत। उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा, यहां यहां, और कल हेडलाइंस होगी, नेहा चोपड़ा सहित दर्जनों लड़कियों का हत्यारा राज सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सबूत भी है मेरे पास, सुनना चाहता है ना? तो सुन सुन। हेलो हेलो डीएसपी साहब, राज आ गया है, वो मुझे मारना चाहता है, राज मुझे मारना चाहता है, जल्दी आइए डीएसपी साहब प्लीज। इस बार काम तेरा ना मेरा है? लेकिन आज के पास सब ठीक होगा। तुम तचार शर्तन, नेहा को छोड़ दे। नेहा, नेहा समझ गई ना? सुन लिया ना तुमने? I hate you. I hate you, हर्षवर्धन. No, you love me, and I love you. छोड़ दे इसे. Shut up. हाँ नेहा, नेहा तुम मेरी हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा मेरी है। चले? नहीं। चले? हर्षवर्धन! चले अपनी दुनिया में? नहीं। चले? सुबह तू शबनमी, घटा तू सुरमई, दिल बेटा।
मोहब्बत की है ये दीवानगी। तेरा कहा सच कर दिया मां। नेहा मेरी नेहा तेरी नेहा। बचपन में कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था, कोई बच्चा मेरे पास नहीं आता था, मेरे साथ बात नहीं करते थे। सब कहते थे तेरी माँ पागल है। एक दिन माँ ने मुझे कहा, बेटा कोई बच्चा तेरे साथ बात नहीं करता ना, तो मत करने दो। कोई तुम्हारे पास नहीं आता ना, तो मत आने दो। तुम अपनी अलग दुनिया बनाओ। बचपन से यह दुनिया बना रहा हूं मैं, मेरी अपनी दुनिया। आज मेरी दुनिया पूरी हो गई।
दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा यार, नहीं दर्द नहीं होगा, क्वाइट क्वाइट। राज
नहीं था तो बचपन में ही मार दिया होता था दादी माँ, बचपन में ही मार दिया होता दादी। Fantastic! आज से ये घर दिल की सच्ची आवाज और सच्ची मोहब्बत के नाम यानी कि तुम दोनों के नाम। जी really, sir? इस घर को बनाने की जिम्मेदारी के बाद इस घर को बसाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही तो ठहरी। वैसे एक बात है डबरा साहब, अरे 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 चला कोई मिटा कोई लुटा कोई रे बचा कोई फंसा कोई उड़ा कोई रे ए चला कोई मिटा कोई लुटा कोई रे ए बचा कोई फंसा कोई उड़ा कोई रे जी यही तो है प्यार जीता कोई हारा कोई।